दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाई जय किसान डॉट ओ आर जी। ग्रामीण विकास के क्षेत्र में बढ़ते कदम जय किसान डॉट ओ आर जी। उत्तराखंड की विषम भौगोलिक परिस्थितियां, आम आदमी की स्वास्थ्य समस्याएं और चिकित्सा सुविधाओं की कमी, इन सब के बीच बीमारियों के बारे में अज्ञानता और सही सलाहकार की गैर मौजूदगी, इन सब ने हमें प्रोत्साहित किया हेल्थ दरबार बनाने। हेल्थ दरबार का मकसद है दूरदर्शन जैसे सशक्त माध्यम से प्रसिद्ध चिकित्सकों की अमूल्य सलाह आम आदमी तक पहुँचाना और उनकी समस्याओं का समाधान उपलब्ध कराना। नमस्कार, हेल्थ दरबार में आप सभी दर्शकों एवं चिकित्सकों का स्वागत है। दर्शकों, आज के एपिसोड में हम बात करेंगे आंख के घातक रोग काला मोतिया पर। काला मोतिया पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं इस क्षेत्र की जानी मानी हस्तियां डॉक्टर अशोक सिंगल, डॉक्टर राज सायर, डॉक्टर राजेश बंसल, डॉक्टर एच ए खान एवं डॉक्टर प्रमोद कुमार वसीत जी। आप सभी विशेषज्ञों एवं चर्चा में भाग लेने आए दर्शकों का हेल्थ दरबार में स्वागत है। दर्शकों से निवेदन है कि वह नेत्र संबंधित काला मोतिया बीमारी पर अपने सवाल बेझिझक पूछें। हमारे चिकित्सक पैनल उनके सवालों का जवाब बखूबी देंगे। पहला सवाल है नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक सिंगल से कि वह बताएं कि काला मोतिया के लक्षण क्या हैं और काला मोतिया क्या होता है। काला मोतिया एक द्रव होता है आंख के अंदर एंटीरियर चैम्बर में, जिसको एक्वियस ह्यूमर कहते हैं, उसके प्रेशर बढ़ने के कारण ये काला मोतिया वाली बीमारी होती है। इंट्राओकुलर प्रेशर इसमें बढ़ जाता है, या तो द्रव ज़्यादा बन रहा होता है या द्रव बाहर नहीं निकल रहा होता है, दो इसकी स्थितियां होती हैं। इसमें 7 चेतावनियां दी गई हैं कि आंखों में हल्की हल्की सी पीड़ा रहती है और लाइट के चारों तरफ इंद्रधनुषी रंग का एक घेरा दिखाई देता है। चश्मे का नंबर बार बार जल्दी जल्दी बदलने की वाली प्रक्रिया होती है, या कोई व्यक्ति डायबिटिक हो या किसी के घर में काला मोतिया का कोई बीमार व्यक्ति है, फैमिली हिस्ट्री में भी ये काला मोतिया आता। तो तब हमारे दर्शक आपसे कुछ सवाल जानना चाहते हैं। मैं डॉक्टर अशोक सिंगल से जानना चाहता हूँ कि काले मोतिया को हम कैसे पहचान सकते हैं। तो तब हमारे दर्शक का जानना चाहते हैं कि काले मोतिया को कैसे पहचाने। सफेद चोर कहा गया है काले मोतिया को, सफेद चोर कहा गया है। इसके लक्षण जब तक आते हैं तब तक हमें काफी नुकसान हो चुका होता है। फिर भी यदि चश्मे का नंबर बार बार बदलने की नौबत आ रही हो, आंख की कोई बीमारी हो, या आंख में हम कोई स्टेरॉइड वाली दवाई जैसे बीटामेथासोन प्रेडनिसोलोन वाली दवाई लगातार बहुत लंबे समय तक डाल रहे हों, उसकी वजह से भी ये काला मोतिया होता है। और इसकी जो मेन बीमारी होती है वो ये होती है, मेन जो लक्षण है कि इसमें रोशनी के चारों ओर इंद्रधनुषी रंग का एक घेरा दिखाई देता है। डॉक्टर साहब, यदि किसी को काला मोतिया हो जाता है तो उसको प्रारंभिक जो स्टेज होती है उस पर उसको क्या करना चाहिए, उसका उपचार क्या है? सर्वप्रथम तो ये है कि वो अपने निकटतम जो नेत्र विशेषज्ञ हैं उनके पास ही उसको जाना पड़ेगा काले मोती की जानकारी लेने के लिए। उससे पहले जो ये मैंने लक्षण बताए हैं, यदि उनमें से किसी को भी कोई लक्षण है और तब उसकी टोनोमीटर की एक जांच होती है, टोनोमीटर की जांच होती है कि उसमें टेंशन कितना है। आमतौर पे 17 से 20 तक का नॉर्मल जो हमारा टेंशन होता है वो होता है। अगर उससे ज्यादा होता है तो नेत्र विशेषज्ञ आपको बताएंगे कि इसमें काला मोतिया। काला मोतिया पर हमारे दर्शक और कुछ जानना चाहते हैं, इसके चलते हैं सीधे दर्शक के पास। मैं लाइन वी के मित्र जानना चाहता हूँ, क्या ये किसी दवाई से या किसी डाइट वगैरह से भी कंट्रोल किया जा सकता है क्या, और इसमें कुछ एज बार भी है? डॉक्टर साहब, दर्शक जानना चाहते हैं कि क्या काला मोतिया खान पान ठीक ना हो इसके कारण भी हो सकता है?
और क्या इसमें कोई उम्र की भी बाधा होती है कि किस उम्र में ये होगा किस उम्र में नहीं होगा, इसके बारे में भी हम जानना चाहते हैं डॉक्टर अशोक सिंघल जी से। काले मोतिया 35 साल की उम्र के बाद स्टार्ट होता है, उसके चांसेस 35 साल की उम्र के बाद ज्यादा होते हैं, और ये किसी डाइट वाली बात से तो कंट्रोल नहीं होता, लेकिन इसमें तंबाकू और जो नींद वाली गोलियां जो नशे वाली गोलियां होती हैं वो नुकसान करती हैं, और दवाइयों से ये कंट्रोल हो जाता है। वैसे अब इसका इलाज सर्जरी भी है। तो मैं जानना चाहता हूँ आयुर्वेद डॉक्टर डॉक्टर राज साहब से कि कैसे बचाव करें, वो क्या तरीका है, वो आम जो व्यक्ति है उसके रीच में वो क्या उपचार होंगे, उसके बारे में मैं आपसे थोड़ा जानना चाहता हूँ। देखिए हमारे यहाँ आयुर्वेद में ऋतुचर्या दिनचर्या पर बहुत वजन दिया गया है, बहुत गहराई से वर्णन है कि हम कैसे इस इन नेत्र की बीमारियों से बच सकते हैं, विशेष रूप से कालिया मोतिया जैसी चीज जिसमें हमें बहुत तेज अंदर ऐंठन वाला दर्द महसूस होता है, उससे बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका सवेरे स्नान के वक्त मुंह में पानी भर के और आंखों में उस पानी से जो मौसम के हिसाब से ठंडा भी हो सकता है या थोड़ा गर्म करके जिसको हम निवाया बोलते हैं, उस पानी से आंखों में छपके मारते हैं। तो ये आंखों के छपके मारने की प्रक्रिया को परसिंचन कहते हैं, परिसेक करते हैं। इससे न केवल काला मोतिया अन्य भी बहुत सारे नेत्र रोग से हम बच सकते हैं। इस रोग के लक्षणों और उपचार के बारे में मैं जानना चाहता हूं होम्योपैथी में कि होम्योपैथी में किस तरीके से इसका इलाज होता है, यह सवाल मेरा है डॉक्टर राकेश बंसल से। होम्योपैथी में किसी भी बीमारी को जब हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो हम सबसे पहले उसका पॉजिटिव फैक्टर जिस कारण से बीमारी हुई है उसको दूर करने की कोशिश करते हैं, इसके अलावा फिर उसका लक्षण के आधार पर उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। काला मोतिया जिसको हो जाता है तो उसके लिए हमारे यहाँ होम्योपैथिक मेडिसिन फाइटोस्टिग्मा एक मेडिसिन आती है, यदि वो ली जाए तो ऐसे मरीजों को बहुत अच्छा आराम मिलता है। इसके अलावा पहले आप किसी भी नेत्र विशेषज्ञ से संपर्क कीजिए, वह आपको बताएगा कि आपको ये बीमारी है, उसके बाद डायग्नोसिस होने के बाद आप जिस डॉक्टर के पास जाना चाहे, आप आयुर्वेद के पास भी जा सकते हैं, आप होम्योपैथ के भी पास जा सकते हैं, ये आपका अपना सिलेक्शन है कि आप किस पैथी में इस बीमारी का इलाज कराना चाहते हैं। यदि सर्जिकल ट्रीटमेंट जरूरी हो गया है तब फिर किसी नेत्र विशेषज्ञ से ही इसका इलाज कराना ज्यादा बेहतर हो सकता है। तो साहब ये जो घातक रोग है काला मोतिया, यह आम व्यक्ति में कैसे आता है, शरीर में ऐसी कौन सी कमी आती है जिससे व्यक्ति इसकी चपेट में आता है, यह सवाल है मेरा एचए खान जी से। देखिए मैं बताऊं आपको, इसका यूनानी में ये जो मोतिया होता है पेट की कमी की वजह से या हो गया या नजले का पानी आंखों में उतरने की वजह से मोतिया होता है, लेकिन यूनानी में इस तरह से देखा गया है कि जैसा मान लीजिए कुछ तब्दीलियां उम्र के साथ साथ जिसम में कुछ तब्दीलियां आती हैं, जैसे बाल का सफेद हो जाना, ऐसी मुख्तलिफ तब्दीलियां जिसम में आती हैं, और एक जो आंख के अंदर से जो रतूबत खारिज होती है जिसे फ्लूड सिगरेट कहते हैं, वो जो साफ होता है वो धुंधली हो जाती है, उससे आंखों पर दिखना जो है धुंधला काला मोतिया होता है उसकी वजह से। हम यही सवाल जो प्राकृतिक जो विशेषज्ञ हैं हमारे प्रमोद कुमार वजी जी इसे जानना चाहते हैं कि किस तरीके से वो कंट्रोल करेंगे इसमें योग में या प्राकृतिक में, क्या होगी उनकी वो पैथी का क्या लाभ ले सकते हैं। काला मोतिया का जो ट्रीटमेंट होता है वो प्राकृतिक चिकित्सा में सबसे पहले होता है कि पेट की सफाई होनी चाहिए, डस्टबिन होता है, डस्टबिन में अगर हम कचरा डालते जाए उसको साफ न करें तो गंदगी आ जाएगी। प्रातः काल नंगे पैर जो धूप होती है उस पर चलना चाहिए, और हमको अपने पेट का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पेट में कब्ज न हो,
और एक हरी बोतल में पानी भर के उसको सूर्य तप्त जल बनाना चाहिए। वो सूर्य तप्त जल कम से कम 24 घंटे सूर्य की रोशनी में उसको पटरे पर रखना होगा और उसको 40-40 ml की उसकी डोज बना के 40-50 ml को हमको 3 टाइम लेनी होगी। हम क्या खा रहे हैं, हमारा कैसा रहन सहन है, क्या हमको करना चाहिए, मॉर्निंग में किस समय उठना चाहिए, तो इन सभी बातों का हम अगर ध्यान रखते जीवन में इस बीमारी से हम काफी हद तक मुक्ति पा सकते। हेल्थ दरबार में अभी चर्चा जारी रहेगी, लेते हैं एक छोटा सा विराम। International Theatre, Academy of Theatre, Films, Radio and Television. It organizes oriented workshop for creative person. Come with a dream and go with a career. अच्छी सेहत की हो चाहत या फिर बीमारी से राहत, देखिए हेल्थ दरबार हर गुरुवार शाम 5:30 बजे से दूरदर्शन देहरादून। जिस प्रकार से कुछ पेशेंट्स को माइग्रेन का दर्द रहता है और माइग्रेन के दर्द में अक्सर दर्द आँख के अंदर होता है, कभी लेफ्ट बाजू होगा तो कभी राइट बाजू होता है, तो क्या काला माइग्रेन की दर्द होने की वजह से भी काला मोतिया हो सकता है? डॉक्टर साहब, बड़ा ही एक अलग तरह का सवाल आया है, माइग्रेन आधे सर का दर्द के साथ आंखों में दर्द, तो उस तरह के लक्षण में क्या काला मोतिया इफेक्टिव होता है, क्या उस तरह की बातें होती है, ये हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। इसमें जो है ना डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, दोनों चीजें बीमारियां अलग अलग लेकिन उसके लक्षण मिलते जुलते, कि जो वो खिंचाव वाला एक दर्द है वो ऐसा लगता है तो कई बार चिकित्सक को ऐसा महसूस होता है कि कहीं ये माइग्रेन तो नहीं है, पर हम वो जो दृश्य दिखाई दे रहा है उससे अलग पहचान लेते हैं कि नहीं ये काला मोतिया की वजह से है। तब हमारा एक दर्शक आपसे जानना चाहता है, डॉक्टर पैनल से जानना चाहता है एक सवाल अपना, मैं सीधे चलता हूँ अपने दर्शक के पास। मैं ये प्रश्न डॉक्टर राजपाल से करना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, क्या आंखों में शाही डालना आंखों के लिए सही है या गलत है? आंखों में शाही डालने के लिए एक समाज में कुछ बात पहुंची हुई है कि नहीं डालनी चाहिए, या कुछ चिकित्सक वर्ग भी मना कर देते। आयुर्वेद में आंखों में शाही डालने के लिए बहुत अच्छा सा तरीका, और अगर हम उसको इस्तेमाल करें तो इन बीमारियों से आसानी से बच सकते हैं। जैसे जब हम शाही डालते हैं तो अक्सर हम नहाने के बाद और शाही डाल करके सारा दिन लगी रहती है तो उससे धूल के कण उल्टा हमारी आंखों में पहुंचते हैं, तो हमें चाहिए कि सोते हुए या स्नान से पहले और ठीक ढंग से बना हुआ जो काजल है उसको लगाना चाहिए। मैं बीच में माफी चाहूंगा, काजल की बात हो रही है लेकिन कौन सा वो काजल है जिसको इस्तेमाल करें? सोविरंजन नाम का एक दवाई, उसका काजल हमें इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो बड़ का पेड़ है उसकी छाल को बनाते हैं, उसकी छाल से बनाया जाता है, जितने हमारे कसाए हैं जैसे खदिर या जामुन की छाल, इनसे भी हम ये एक काजल बनाते हैं और इससे हम इसको लगाते हैं। इसमें हम चिकनाई देने के लिए कुछ ऑइंटमेंट मिला लेते हैं, वो गलत है। ऑइंटमेंट के बदले घृत, विशेष रूप से गोघृत, गाय का घी इसमें मिला करके और फिर वो आंखों को लगाना चाहिए। काला मोतिया सीधा ही होता है, ये जरूरी नहीं है कि सफेद मोतिया हो तभी काला मोतिया हो, सफेद मोतिया के बाद भी काला मोतिया होता है, उसे हम दूसरी कैटेगरी में रखते हैं
सेकेंडरी ग्लूकोमा उसको कहा जाता है। काला मोतिया सीधा ही है, अपने आप में एक सेल्फ इंडिपेंडेंट एक बीमारी है काला मोतिया। हेल्थ दरबार में अभी चर्चा जारी रहेगी, लेते हैं एक छोटा सा विराम। International Theatre Academy of Theatre, Films, Radio and Television. It organizes oriented workshop for creative person. Come with a dream and go with a career. अच्छी सेहत की हो चाहत या फिर बीमारी से राहत, देखिए हेल्थ दरबार हर गुरुवार शाम 5:30 बजे से दूरदर्शन देहरादून। सफेद मोतिया काले मोतिया से कौन से ज्यादा खतरनाक है और इन दोनों में फर्क क्या है? डॉक्टर साहब, हमारे नन्हे से दर्शक ने एक सवाल किया है कि काला मोतिया और सफेद मोतिया में क्या फर्क है और इन दोनों में खतरनाक कौन सा है? सफेद मोतिया इतना खतरनाक नहीं है जितना खतरनाक काला मोतिया है। सफेद मोतिया के ऑपरेशन के बाद में रोशनी लौट कर आ जाती है और काले मोतिया के ऑपरेशन के बाद में ये जरूरी नहीं कि कितनी रोशनी लौट कर आती है। काला मोतिया और सफेद मोतिया दोनों अलग अलग हैं। हमारे आँख के गोलक के अंदर एक लेंस होता है, पारदर्शी लेंस आपके और हमारे सभी के होता है। कई फैक्टर है, एज फैक्टर है, डायबिटीज का फैक्टर है, चोट लगने का फैक्टर है या कंजिनाइटल फैक्टर है, जिसकी वजह से सफेद मोतिया हो जाता है। काला मोतिया बिल्कुल अलग है, कुछ कारण हैं जिसकी वजह से काला मोतिया होता है, जैसे पान तम्बाकू खाने वालों को ज्यादा होता है या जो लोग डार्क में ज्यादा बैठते हैं, डार्क रूम में ज्यादा काम करते हैं या पिक्चर ज्यादा देखते हैं, थिएटर में पिक्चर ज्यादा देखते हैं, 3 घंटे तक डार्क में बैठते हैं, उनमें ये बीमारी ज्यादा होती है। काला मोतिया सफेद मोती की बनिस्बत ज्यादा खतरनाक है, जिससे जो दृष्टि जाती है वो हमेशा के लिए जाती है। काला मोतिया को लेकर हमारे दर्शकों की ओर से एक सवाल आ रहा है, तो लेते हैं एक सवाल दर्शकों से। मैं प्रताप राठौर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे काला मोती और सफेद मोती हो जाता है और बात हमें सबसे पहले चिकित्सक के पास जाना चाहिए, जैसे आप ने अलग अलग राय दी अपनी अपनी, तो हमें पहले किसकी मेडिसिन की आवश्यकता पड़ेगी? बहुत अच्छा सवाल दर्शक की तरफ से आया है कि कौन सी पैथी पर सबरी से जाना चाहिए, उसके बाद कौन कौन सी पैथी पर हमें आना चाहिए, ये सवाल मेरे चिकित्सक पैनल में बैठे आयुर्वेद में डॉक्टर राज पायल से है। कौन सी पैथी पर जाना चाहिए? पैथी कोई भी इस्तेमाल हो सकती है, पर विशेषज्ञ नेत्र रोग हो और जितनी भी पैथी है, इसका सवाल नहीं है। सवाल यह है कि विशेषज्ञ वो नेत्र रोग के हों, उनको जरूर दिखाएं। अगर गांव में छोटे कस्बों में विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं है, तो हमारे नजदीक कोई भी डॉक्टर है, उससे तुरंत बिना देर करे एक बार जरूर मिल लेना चाहिए और फिर आगे की अपने योजना बनानी चाहिए। तो चलते हैं अपने चिकित्सक पैनल के पास, वह बताएं कि कौन सी बेहतर टिप्स हो सकती हैं काला मोतिया पर, कि प्रथम स्टेज और द्वितीय स्टेज से कैसे बचे और कब कब वह अपनी बचाव करें, इसके लिए हम जानना चाहते हैं। जब पीड़ित व्यक्ति अपने नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास जाएगा तो वो उसको काले मोती की फर्स्ट और सेकंड स्टेज के बारे में बताएगा। फर्स्ट और सेकंड स्टेज पर काला मोतिया दवाइयों से क्योरेबल है, लगातार दवाई डालते रहेंगे तो वो क्योर रहेगा। उसके लिए पिलोकार्पिन और इमोलोल मेलिएट नाम के कुछ दवाई हैं जो कि नेत्र विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार व्यक्ति इस्तेमाल करेगा। यदि ज्यादा उसको काला मोतिया थर्ड या फोर्थ स्टेज पर काला मोतिया उसको है, तो पीछे के पर्दे में की रोशनी खराब होने को बचाने के लिए उसके लिए सर्जिकल ऑपरेशन, सर्जिकल ट्रीटमेंट आवश्यक हो जाता है। उसके लिए दो ट्रीटमेंट ट्रेविकुलेक्टमी, जो भी सर्जन अपने अवस्था के अनुसार उसके लिए सही समझता है उसके लिए वो एडवाइज करता है। अपने यहाँ 3 तरह से हम इसको इलाज शुरू करते हैं। पहला, शरीर के इलाज के लिए पंचकर्म के माध्यम से शरीर के अंदर की
अशुद्धियों को निकाल के, दूसरा कुछ खाने की दवाई जैसे सप्तामृत लो आदि, तीसरा आंखों की सिकाई करके डिफरेंट तरीके से, एक तर्पण विधि है आंखों के चारों तरफ एक उड़द की दाल का आटा बना करके लगा के, और फिर उसमें औषधि युक्त तेल को भर देते हैं। तो इस तर्पण विधि से, दूसरा आश्चोतन विधि जिसमें नेत्र में बिंदु बिंदु करके और एक खास ऊंचाई से उस पर वो बीन दवाई डाली जाती है जिससे ये रोग ठीक होता है। तीसरा पूरे आंखों को सिकाई करने के लिए परिसेचन और अलग तरह का मेडिसिनल अंजन जिसको शाही डालना कहते हैं वो हम देते हैं तो काला मोतिया ठीक होता है। तो सब होम्योपैथी चलन बढ़ा है, सब तो होम्योपैथिक में काले मोतिया का क्या उपचार है, क्या वो सबरी इलाज है, या वो आपकी बेहतर इस बीमारी के ऊपर क्या बेहतर चीज आपकी है जो दर्शक का लाभ उठा सके? कोशिश यही होनी चाहिए कि हमारे हमें बीमारी हो ही ना, तो उसके लिए सबसे अच्छे तो यही है कि पेरेंट्स ध्यान रखें कि बच्चे की बैठने की पोजीशन, जिस पोजीशन में वो बैठ के पढ़ाई कर रहा है वो पोजीशन सही हो, ताकि उसको आंखों पे जोर ना पड़े और आगे और बीमारी से बच सकता है। अब जैसे मैंने पहले भी बताया था कि आंखों को चोटों से बचाना है, छोटे छोटे बातें हैं, हेलमेट पहन के हम टू व्हीलर पे जा रहे हैं उससे हम काफी हद तक आई इंजरी से बच सकते हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी बातें हैं जिनसे हम बीमारी से बच सकते हैं। इसके अलावा डाइट है हमारी, यदि हम फल और सब्जियां और दालें यदि खाने में अच्छा लेंगे तो नेचुरल विटामिन हमें मिलेंगे और उनकी वजह से हम काफी सारी आंखों की बीमारी से बचे रह सकते हैं। नेत्र विशेषज्ञ से भी मैं जानना चाहता हूँ कि बेहतर टिप्स क्या होंगी काला मोतिया से के बारे में, क्या बेहतर टिप्स होंगी वो भी मैं जानना चाहता हूँ। अभी जो लक्षण के ऊपर चर्चा हुई थी, जब भी कोई लक्षण इस तरह का शुरू होता है तो तुरंत नेत्र विशेषज्ञ से इसकी सलाह लेकर, विशेष तौर से 35 वर्ष की आयु से अधिक वाले व्यक्ति या जो व्यक्ति डायबिटिक हैं या जिनको फैमिली हिस्ट्री इस तरह की काले मोती की है। दूसरे आम तौर पर आंख दुखनी आने में या किसी और दूसरे डेली रूटीन में जो हम दवाई इस्तेमाल करते हैं उनमें स्टीरॉयड ना हो। स्टीरॉयड नाम की दवा होती है, हालांकि वो बहुत कारगर होती है, लेकिन एक लंबे समय तक उसका इस्तेमाल करने से काले मोतिया और सफेद मोतिया दोनों उससे होते हैं, विशेष तौर से उससे बचना चाहिए कि हम उस दवाई का इस्तेमाल कम से कम। तो तब आयुर्वेद में क्या बेहतर टिप्स हो सकती है डॉक्टर राज साहब, मैं जानना चाहता हूँ कि वो दर्शकों को बताएं कि वो क्या बेहतर टिप्स होंगे। आयुर्वेद में वर्णित कि सवेरे सूर्योदय से पहले उठना, दांतून करना और आंखों में अंजन करना माने स्याही डालना, हमें स्नान करते हुए विशेष रूप से तेज गर्म पानी को सिर पर डालना नहीं चाहिए, और सप्ताह में एक बार गंडूस करना माने कि दूध या गर्म पानी को मुंह में रोक करके लगभग 15 मिनट मुंह में ही रखना, फिर इसके बाद इसको गिराना। ऐसे ये छोटे छोटे टिप्स जिनसे हम अपने नेत्र की देखभाल करते हुए उनसे लगातार लंबे समय तक काम ले सकते हैं। दर्शकों, वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। अंत में हम धन्यवाद करना चाहते हैं अपने चिकित्सक पैनल एवं दर्शकों का। साथ ही गुजारिश है कि यदि हमारे दर्शकों को कोई जानकारी है अथवा कोई समस्या या हमारे कार्यक्रम के संबंध में कोई सुझाव है तो हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है sixvision@readingmail.com। तो दर्शकों दीजिए इजाजत, अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे नई जानकारी के साथ। नमस्कार।